हूँ शाइना और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल किचन विद शाइना। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बीफ के शामी कबाब, बहुत ही मज़े के बनेंगे। और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने 1 kg बीफ का गोश्त लिया है, इसको धो के छोटी बोटियाँ कर ली है, देखिए इतनी बड़ी भी बोटियाँ मैंने कर ली हैं, इतनी बड़ी बोटियाँ इसकी कर ली हैं मैंने। 1 kg बीफ का गोश्त लिया है, 1/2 kg मैंने चने की दाल ली, इसको धो के रख ली है मैंने। और ये हंसपे ज़रूरत मैंने गोल मिर्चें ली हैं, ये देखिए गोल मिर्चें ली हैं मैंने। और ये हंसपे ज़रूरत मैंने अदरक के 6-7 टुकड़े लिए हैं, हंसपे ज़रूरत मैंने लहसुन लिया साबुत लहसुन। और ये मैंने एक बड़ी लार्ज साइज की प्याज ली है, उसको मैंने मोटे मोटे पीस काट के रख लिए हैं। और ये मैंने हंसपे ज़रूरत हरी मिर्चें ली हैं जो मैं ग्रेट करके इसमें मिक्स करूँगी। और ये हल्दी धनिया की आधी कट्टी ली है। और ये मैंने हंसपे ज़रूरत यानी 2 tablespoons मैंने नमक लिया है। और तकरीबन मैंने 30-40 के करीब मैंने काली मिर्चें ली हैं। और ये 4 से 6 अदद मैंने बड़ी काली इलायची ली है। और ये दालचीनी के टुकड़े लिए हैं मैंने 10-15, और ये 10-15 मैंने लौंगे लिए हैं। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक और मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से रखा है। अब मैं आपको बताऊँगी सबसे पहले हम क्या करेंगे। ये मैंने इस पैन में पहले से इस बर्तन में मैंने पानी डाल के रखा हुआ था 1 जग भर के तकरीबन। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी, देखिए मैं गोश्त डाल दूँगी इसके अंदर। हम साइड पे कर देंगे। इसी के अंदर मैं देखें ये लौंगे डाल रही हूँ, ये दालचीनी डाल रही हूँ, ये बड़ी काली इलायची डाल रही हूँ, ये काली मिर्च डाल रही हूँ, और ये नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें देखें ये साबुत प्याज इसमें डाल रही हूँ, ये लहसुन के टुकड़े जो मैं लहसुन छील के रखा था साबुत लहसुन वो डाल रही हूँ, ये अदरक के टुकड़े इसमें डाल रही हूँ, और ये गोल मिर्चें कश्मीरी मिर्चें इसमें डाल रही हूँ। इसी में मैं दाल ऐड कर रही हूँ। इसी में मैंने दाल डाल दी है, तकरीबन मैंने 1 जग पानी का इसमें डाल दिया है। अभी इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तकरीबन, जब तक हमारा गोश्त अच्छे से सॉफ्ट नहीं आता। ये सब जो सामान इसमें डाला है सब से सही तरह सॉफ्ट हो जाएगा फिर इसको हम पानी खुश करके इसको हम ग्राइंड करके दिखाएंगे। ये इसमें मैंने 1 जग पहले, ये वाला जग देखिए मैंने पहले पानी का डाल चुकी थी, 1 जग और डाल लूँ, तकरीबन 2 जग ऐसे पानी के डाल के और कवर करके मैं रख दूँगी इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए। देखिए कितना पानी है इसमें, इतना पानी डाल दिया मैंने ताकि सही से हमारा ये सारा सामान सॉफ्ट हो जाए, यानी गोश्त भी प्याज भी अदरक भी सब मैंने साबुत डाली है। साबुत डालेगा टेस्ट ही बहुत मज़े का होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप ऐसे ही बनाइएगा शामी कबाब, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। हम इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख रही हूँ, फिर चेक करेंगे हम। ये देखिए हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो गया। देखें पूरा गोश्त कितनी मोटी मोटी मैंने बोटियाँ इसके अंदर डाली थी, पूरी इसके अंदर डिसॉल्व हो गई अच्छे से, पता भी नहीं चल रहा। देखें अब मैं इसको हल्का सा ग्राइंड करूँगी, ज़्यादा नहीं करना है, इसको हल्का सा ग्राइंड करना है, फिर मैं आपको बता दूँ इसमें क्या मिक्स करना है। ये मैं ऑफ़ कर देती हूँ, फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। ये हमारा रेडी हो चुका है, मैं इसको ग्राइंड करूँगी। और ये हरी मिर्ची हरा धनिया इसको ग्राइंड करके इसमें मिक्स करूँगी। ये देखिए मैंने कीमा ग्राइंड कर लिया, देखिए कितना ज़बरदस्त हुआ है, ये देखिए कितना बारीक पिसा है, ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा और ज़बरदस्त लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। और मैंने ये हरी मिर्चें और हरा धनिया इसको भी ग्राइंड कर लिया था, अब ये इसके अंदर मिक्स करूँगी कीमे के अंदर। ये दो मैंने अंडे लिए, इसमें 2 अंडे इसमें ऐड करूँगी, और ये हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट है ये इसमें ऐड करूँगी, करके ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। ये अंडे भी इसी में मिक्स कर दूंगी, इस साइड पर कर दूंगी। ये नहीं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं, ये
लगातार ज़बरदस्त सॉफ्ट सॉफ्ट था ये पिज़्ज़ा है। अब आप इसको चाहें तो फ्रीज करके भी रख सकते हैं, कबाब की टिक्किया बना के आप फ्रीज कर सकते हैं 15 दिन 20 दिन के लिए आराम से कर सकते हैं आप। अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं, ये देखिए सही से मैंने बिल्कुल मिक्स कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, देख सकते हैं आप तो ज़बरदस्त मिक्स हुआ। अंडा, हरी मिर्च, हरा धनिया सब मैंने इसमें मिक्स कर लिया। हम इसकी टिक्किया बनाऊंगी, इतना साइज़ आप ले लें, साइज़ अपने हिसाब से ले सकते हैं आप, चाहे तो बड़े साइज़ के बना सकते हैं, तब चाहे तो आप छोटे साइज़ के बना सकते हैं, शेप भी आप चेंज कर सकते हैं जैसी भी शेप देना चाहें। मैं गोल शेप दे रही हूँ इसकी, ये देखिए ये ऐसे ऐसे बना के आप रख लें। दूसरा बना रहे हैं, इसी तरीके से हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अब हमारे शामी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब मैं इनको फ्राई करूँगी। अब देखिए इतनी ज़बरदस्त टिक्किया बनी है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की टिक्किया बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको फ्राई करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए अभी शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके थे, मैंने अभी आपको दिखाए थे। अब मैंने एक अंडा लिया है, इसको मैं अच्छे से बीट करूँगी, ये देखिए कर रही हूँ। मैं एक ही कबाब लूँगी, इसमें डिप करूँगी और फ्राई करूँगी। ये देखिए मैंने ऑयल पहले से फ्राई पैन में गरम करने के लिए रख दिया था, फ्लेम मैंने स्लो की हुई यानी लो की हुई है। मैं एक ही कबाब इसमें डालती रहूँगी। ये देखिए मैंने डाल दिए, अब एक सेकेंड से इसे फ्राई हो जाएगा, फिर मैं इसको दूसरा साइड पर फ्राई करूँगी। ये देखिए हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं, मैं इसको निकाल लूँगी ट्रे में। ज़बरदस्त कबाब तैयार हुए हैं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये हमारे शामी कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बनाना बताया। ये देखिए भाई मैं पहले शामी कबाब मैंने बनाए बनाती, मैं सबसे पहले अपने अब्बू को टेस्ट करवाती हूँ, जैसा कि हमेशा मेरी वीडियो में आप लोग देखते हैं कि मैं पहले अब्बू को चेक करवाती हूँ अब्बू कैसे बने, अब्बू मेरे पास कर देते हैं, फिर उसके बाद जाके फिर मैं दूसरे लोगों को सर्व करती हूँ, ये यानी घर के बाकी मेंबर बाद में खाते हैं। सबसे पहले मेरा अब्बू कहते ना बुजुर्ग सबसे पहले आ गए, ये हमारे घर के बुजुर्ग हैं, एक ही बुजुर्ग तो बच्चे हमारे घर के, अलावा इनको जिंदगी दे सेहत दे। अब ये खा के बताएंगे मुझे कैसे बने शाइना के कबाब, कैसे बने मुझे बताएं पहले। बाकी अच्छे बने, से दिल लगने को कह रहे हैं आप, बहुत अच्छे बने माशाल्लाह, अच्छे बने पास कर दी सबसे पास हो गए। आप इन्हीं सोचे मैं बेटी हूँ तो इसलिए पास कर रहे हैं, लेकिन आप भी मेरी रेसिपी देख के ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। आप किचन भी शाइने की रेसिपी देखें शामी कबाब की, उसमें देख के आप ट्राई करें, झटपट बनने वाले टेस्टी बनने वाले, तो आप इसी तरीके से बनाएंगे कबाब मेरी रेसिपी देखिए। मेरे अपने पास कर दिया, आपको भी यकीन आके अपने घर के बुजुर्गों में खिलाइएगा, टेस्ट करवाइएगा, फिर आप सेटिस्फाई होंगे। घर के बुजुर्गों को खिलाना बहुत जरूरी है, अच्छे बने ना, आपको पसंद आए, पूरे पास कर दिए, चाइना खुश हो गई, बहुत अच्छे बने माशाल्लाह। खाना बताया है, अब आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप दूसरी नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।